तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा आज शाम को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से भाई 7 बजे। तो इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना है। और अगर आप भाई वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो भाई आपका लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो ये मेरी गारंटी है आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग यहां से करके जाने वाले हो। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो भाई यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए रहेंगी, वो सारी चीजें क्या क्या रहेंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ ऐसे प्लेयर्स है भाई जिनका सिलेक्शन 10% है, 9% है, 7% सिलेक्शन वाले प्लेयर है जो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। और कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो मतलब यहां पर आपको काफी बड़ा मतलब काफ़ी हाई सिलेक्शन लेके बैठे लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए ख़राब पिक हो सकते हैं आज के मैच में। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। और अगर आप भाई वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी भाई आपको हराने वाला कोई भी यहाँ से नहीं होने वाला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर आपको देखना ही देखना है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट मैच की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ अभी हम जो भी बात करेंगे इस वीडियो के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम होगी या जो भी अपडेट आएगी इस मैच की वो मैं सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है और टेलीग्राम चैनल भाई ज़रूर से आपको ज्वाइन कर लेना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए जैसे टॉस की अपडेट हो गई, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज, तो सारी चीज़ें मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको मतलब बहुत सारे फ़ायदे और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भाई जाके सीधा ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट मैच की, यहाँ पर भाई कुछ मैं ऐसी खतरनाक प्रिडिक्शन करूँगा जो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मान लीजिए कि सरप्राइज भी कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर भाई बात करेंगे सबसे पहले जो न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई गप्टिल की बात करें तो इन्होंने 40 रन बनाए, फिन एलन की बात करें तो भाई इन्होंने यहाँ पर 101 रन बनाए। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स ने 23 रन बनाए, इसके अलावा 23 रन बनाए भाई यहाँ पर रार्सी मिचेल ने। इसके अलावा भाई बात करें तो जिमी निशाम 9 बॉल पर 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके अलावा मिचेल ब्रेसल की बात करें तो भाई ये मतलब रनआउट हो गए, इन्हें भाई डायमंड डक मिल गया, बिना ही बॉल खेले रनआउट होकर गए हैं। ठीक है, अब अगर बात करें भाई इनकी जो गेंदबाजी रही थी, एक बार इसकी भी करनी काफी ज्यादा जरूरी है। इस सोडी को भाई लास्ट मैच में मैंने वीसी दिया था, अब मैंने लास्ट मैच में वीसी दिया था, 4 विकेट लेके गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है 4 विकेट लेके गया, बट मैंने बोला क्या था आपको, आप ये ध्यान रखिए, मैंने बोला था अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, फर्स्ट इनिंग में अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती है तो भाई सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड के स्पिनर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकेट टेकिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो मिचेल सेंटनर ने 2 विकेट निकाले, इस सोडी ने 4 विकेट, टोटल भाई ये जो 8 विकेट गिरे उसमें से 6 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने निकाले। तो इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ, देखिए प्रिडिक्शन कुछ ऐसी होती है जो आपको एक तरफा विनिंग की तरफ ले जाती है। ठीक है, और यहां पर मैंने इस सोडी को वीसी इसीलिए दिया था क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था कि मेरा वीसी या तो एल फर्गसन रहेगा या फिर भाई यहां से मैं लेके जा सकता हूँ इस सोडी को एज ए वी सी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था, बट उस टाइम टॉस की अपडेट नहीं थी और यही चीज़ मैं आज बोल रहा हूँ, टॉस के बाद फाइनल सी वी सी आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा। और भाई इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर बात करें भाई इनकी जो स्कॉटलैंड है इनकी अगर बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर इनकी तरफ से हाइएस्ट रन स्कोरर कौन रहा भाई, यहाँ पर आप देखिए मैकलॉयड। ठीक है, अब इनका सलेक्शन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो मैकलॉयड इनका एक बार सिलेक्शन यहां पर देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखिए सिर्फ 19% सिलेक्शन था और आपके भाई ने इसे अपनी टीम में लिया था, जाकर टीम देख सकते हो भाई कभी मतलब अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देता बट यार उसमें काफ़ी टाइम चला जाए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा परसों की टीम निकालने के लिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम चला जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैकलॉयड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर आज के मैच में भी रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो चलिए स्कोर कार्ड की पहले बात कर लेते हैं, मुंशी की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर
जो 28 रन की अच्छी नोक खेली, मतलब ठीक ठाक ही नोक थी। वहीं अगर बात करें मैकलॉयड की तो इन्होंने यहाँ पर 33 रन बनाए। वो हैरिस की बात करें 7 रन, रिचर्ड बैरिंगटन ने 2 रन बनाए, एम क्रॉस की बात करें 3 रन बनाए। इसके अलावा बात करें क्रिस ग्रीव की तो 31 रन इन्होंने बनाए। जो लिस्क है इनकी अगर बात करें तो भाई 8 बॉल पर 12 रन इन्होंने बनाए। मार्क वोट ने 17 रन बनाए। इसके अलावा सैफियान शरीफ की बात करें तो भाई 14 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा जो क्रिस सॉल है इन्होंने कुछ खास किया नहीं। अब अगर बात करें भाई इनकी गेंदबाजी की तो यहाँ पर भाई 1 विकेट बैरिंगटन ने निकाला, 1 विकेट सॉरी 4 ओवर में भाई जो काफी किफायती गेंदबाजी की क्रिस ग्रीव्स ने। मार्क वोट ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट निकाला। अब यहाँ पर जो ऊपर के तीन है ये भाई काफी महंगी साबित हुए। यहाँ पर अगर बात करें सैफियान शरीफ की तो 4 ओवर में 48 रन भी खाए और विकेट लेस भी गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर क्रिस सोल की तो 1 विकेट इन्होंने निकाला लेकिन 4 ओवर में भाई 72 रन इन्होंने खाए हैं। तो आप देख सकते हो मतलब कितने ज़्यादा बुरे तरीके से मार पड़ी है। हमजा ताहिर की बात करें तो 3 ओवर इन्होंने डाले, 1 विकेट भाई इन्होंने भी यहाँ से निकाली। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डेमो टीम की तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन तो भाई एम क्रॉस को अपनी टीम में अभी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी हो सकता है फाइनल टीम में मैं डैन क्लीवर के साथ चला जाऊँ। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई डैन क्लीवर देखिए लास्ट मैच में पहला विकेट काफ़ी लेट गिरा था, जो न्यूजीलैंड है उसका भाई जो पहला विकेट है ना वो काफ़ी लेट गिरा था। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, 85 रन पर भाई पहला विकेट गिरा था। अगर यही विकेट 4 ओवर में 3 ओवर में गिर जाता 30-35 पर तो भाई उस कंडीशन में डैन क्लीवर पहले बैटिंग करने आता और मतलब वन डाउन बैटिंग करता और उस कंडीशन भाई आपके लिए एक मस्ट पिक रहेगा। इसीलिए मैं इसको अपनी टीम में रखता हूँ। और भाई अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सेफ जाना चाहो ना तो मतलब सेफ जाना चाहो तो आप मैम क्रॉस के साथ जा सकते हो, बट भाई जो मतलब डिफरेंशियल पिक रहेगा या फिर आप इंपॉर्टेंट पिक बोले जिसको तो भाई वो आपके लिए डैन क्लीवर रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें मार्टिन गप्टिल मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स को मैं अपनी टीम में रखूँ। नीचे अगर बात करें तो सी मैकलॉयड को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो रिचर्ड बैरिंगटन को मैं अपनी टीम में रखूँ। लास्ट मैच में भाई एक ही ओवर डाला था और ज़्यादा ओवर ये डाल सकते थे बट डाले नहीं इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें जॉर्ज मुंशी को आप अपनी टीम में रख सकते हो, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान से सुनिए, क्लियरली बोल रहा हूँ, सेफ अगर किसी को जाना है, अगर इस किसी को हाई सिलेक्शन टीम चाहिए तो भाई यहाँ पर आप लेकर जा सकते हो फिन एलन को। मेरी टीम में फिन एलन की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये फ्लॉप हो गया ना तो एक तरफा विनिंग होगी एक तरफा, बट भाई सेम टाइम पर एक तरफा लॉस भी हो सकता है अगर ये मतलब फ्लॉप नहीं हुआ तो। अगर इसने 50 लगा दी अगेन तो भाई यहाँ पर एक तरफा लॉस भी हो सकता है। बट फिन एलन भाई इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंस रहता है, बट क्या ही करें, जिसके बारे में मैं बोलता हूँ कि इनकन्सिस्टेंट है वो तुरंत आके भाई 2-3 मैसेज में ऐसी परफॉर्मेंस देता मतलब बुरा हाल कर देता मेरा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई अच्छा है फिन एलन ना ही चले तो, बट अगर आपको सेफ जाना है तो भाई आपके लिए ऑब्वियस चॉइस रहेगा, ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूँगा। यहाँ पर जिमी निशांक को अपनी टीम में रखूँगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो मिचेल सेंटनर को मैं अपनी टीम में रखूँगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर सी ग्रीव्स को मैं अपनी टीम में रखूँगा, ठीक है। बाकी अगर एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ तो यहाँ से देखिए लोकी फर्गिनसन, इसके अलावा भाई इस सोडी, ये दोनों तो हमारी टीम में रहेंगे। अभी यहाँ से मैं मार्क वाट को ले रहा हूँ। अब एक चीज़ सुनिए, मैं यहाँ से ले रहा हूँ मिचेल सेंटनर को, क्यों, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी ना तो भाई यहाँ पर मिचेल सेंटनर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर न्यूजीलैंड पहले इनिंग में गेंदबाजी करती है तो ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी या फिर नीचे जाके भाई बेन सियर्स, जो भी खेलता नजर आए आप उसी को अपनी टीम में ले सकते हो, ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हो, क्योंकि उस टाइम पर भाई पेसर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ से भाई ट्राई कर रहा हूँ जो मिचेल सेंटनर है अभी के लिए मैं इसको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ से सीबीसी की बात करें तो भाई कैप्टनसी दे रहा हूँ मैं मार्टिन गप्टिल को, अगेन भाई वीसी मैं अभी के लिए दे रहा हूँ यहाँ से इस सोडी को। फाइनल टीम में अगर जो न्यूजीलैंड की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो भाई यहाँ पर मैं क्लियरली मैं लोकी फर्गिनसन के साथ भी जा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को सेफ जाना है तो भाई वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है मैकलॉयड सॉरी फिलिप्स की जगह ट्राई कर सकता है, किसको भाई फ्लिप्स की जगह ट्राई कर सकता है फिन एलन को, या फिर भाई कोई बंदा अगर चाहे तो यहाँ पर या कर सी मैकलॉयड को टीम से ड्रॉप करके ऊपर डैन क्लीवर को ड्रॉप कर दो और ऊपर भाई आप विकेट कीपर ले लो एम क्रॉस। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो न्यूजीलैंड का फिर एक प्लेयर बचता है वो भाई आप यहाँ पर ले सकते हो,
फिन एलन के तौर पर, ठीक है। तो ये भी आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो। बाकी जो मेरी फाइनल टीम है वो भाई मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए जो मेरी फाइनल टीम है वो आपके सामने मैं प्रीव्यू अभी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की टीम भाई अभी के लिए हमारी दिखने वाली है। इस टीम में देखो अगर कुछ भी चेंजेज होते तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब चलिए भाई मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाओगे तो जो फर्स्ट कमेंट यानी कि भाई जो पिंड कमेंट आपको दिखेगा उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।